आप सभी का मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं इनस्टूडी। वक्त हो चुका है देश की एक बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका कुछ बड़ी और अहम खबरों का। आइए रुक करते हैं देश की एक बड़ी खबर की तरफ, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं। यहां उन्होंने लाइट वेट लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। बता दें कि पीएम मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी दौरे पर गए थे। इस बाबत पीएमओ की तरफ से सूचना भी दी गई थी। बता दें कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस स्वदेशी है। आपको बता दें कि तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने में कई देशों ने अपनी रुचि भी दिखाई है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज जी एरोस्पेस ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन उत्पादन करने के लिए HAL के साथ एक डील भी किया था। वहीं इस साल अप्रैल महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने इसे देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि भी बताई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उड़ान की तस्वीरों को भी साझा किया। इन तस्वीरों में पीएम मोदी एयरफोर्स पायलट की वर्दी में दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।